हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो आज सुबह के नाश्ते में बनाई है मैंने बीन्स आलू की सब्जी। तो गरम तेल में मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, जीरा, प्याज। तो लाल मिर्च को मैंने खड़ी ही डाली है और लाल मिर्च को मैंने कट करके नहीं डाली है, तो ये डाल दिया ढेर सारा प्याज। तो प्याज, मिर्ची और जीरे को अच्छी तरह से भुनेंगे, फिर हम डाल देंगे अपने बीन्स और आलू। तो बीन्स को मैंने छोटा छोटा ही कट किया है, बीन्स कह लीजिए या फिर इसको बरबटी कह लीजिए, जो बरबटी होती है लंबी लंबी, वो मैंने इसमें ऐड की है। और ये मैंने धनिया मिर्ची का पाउडर ढेर सारा और ऐड कर दिया है चटपटा बनाने के लिए, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो आज ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है कि मॉर्निंग के नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सब्जी और पराठा बनाई हूँ। तो देखिए, सब्जी हमारी देखने में और खाने में बहुत ही मस्त और यम्मी लग रही है, तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जितने फ्रेंड्स हमारे नए आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो ढककर मैंने इसको 10 मिनट तक कुक किया है। तो देखिए, अच्छी तरह मेरे आलू और बीन्स यानी कि बरबटी अच्छी तरह से गल गई है और सब्जी मेरी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, जिस तरह से मुझको चाहिए पराठे के साथ खाने के लिए। तो बस रेडी हो गई है सब्जी। अब चलिए कर लेते हैं पराठे की तैयारी। तो पराठे का आटा मैंने लगा के रख दिया है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं पराठे का आटा लगाए हुए, अब इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे हम रिफाइंड ऑयल या फिर हम घी, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें आप लगाइए और गर्मा गर्म पराठे बनाइए। तो आप लोगों की मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं प्लीज़, जितने भी नए आते हैं कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिए। तो ये मैंने लगा दिया इसमें रिफाइंड ऑयल, अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ मॉर्निंग रूटीन में शेयर करती हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया है। तो अभी मैं इसको दूसरी साइड भी पलट दूंगी। तो देखिए कितना मस्त पराठा मेरा सिक गया है। तो इसी तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, धूप है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, धूप तो है नहीं, इसीलिए बस सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठा सब्जी खाने का मन कर गया। और सब्जी मुझे आलू और बरबटे की ही खानी थी, तो मैंने आज सुबह आलू और बरबटे की ही सब्जी बनाई है। तो बस ये बन रहे हैं मेरे पराठे और बन गई है सब्जी। तो चलिए थाली लगाते हैं पराठे की, नाश्ते की, और ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं।